तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंसोमनिया के बारे में। इंसोमनिया का मतलब होता है नींद नहीं आना, और इसको हम कैसे डील कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के, कुछ अपने आदतों में या अपने कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करके। तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्लीप साइकिल नॉर्मल करनी है। अब स्लीप साइकिल कैसे नॉर्मल होगी कि आपको अपने सोने का और उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स रखना है। अब अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे ही बेड पर जाएंगे, नींद आए ना आए आपको उठना फिक्स टाइम पर है। वो जैसे आपने 8 बजे मॉर्निंग में डिसाइड किया हुआ है कि 8 बजे उठना है, तो आपको 8 बजे उठना ही उठना है, चाहे आप लास्ट नाइट 4 घंटे सोए हो या ज्यादा, ठीक है। और आपको दोपहर में नहीं सोना है। ऐसे ही आपका जो बेडरूम है, वो जो आपका रूम है वो डार्क हो, क्वाइट हो, और उसका टेम्परेचर आपका अनुकूल हो, जो आपको सूट करता हो। आपको बेड पर जब जाना चाहिए जब आपको नींद आए, उससे पहले नहीं जाना चाहिए। ये कंडीशनिंग होती है कि दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आप सोने की तैयारी करो, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे ही इसी का एक पार्ट है कि आपको जो अपना बेड है या अपना बेडरूम है वो खाने पीने के लिए, टीवी देखने के लिए और एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं करना चाहिए। हो सके पॉसिबल हो तो इसका यूज ना करें, ठीक है। तो ये भी काफी हेल्पफुल रहता है। अब रात में जो है आपकी मील जो है वो आप लाइट मील लेनी चाहिए, और प्रेफरेबली सोने से 2-3 घंटे पहले तो होना चाहिए। बहुत ज्यादा फैटी ना हो, स्पाइसी ना हो, और 6-7 बजे के बाद चाय कॉफी जिसमें कैफीन होता है वो नींद भगाता है वो आप यूज ना करें। इवन कोल्ड ड्रिंक्स भी उसमें कैफीन होता है तो वो भी आप यूज ना करें। और सोते टाइम आफ्टर डिनर, खासकर डिनर आफ्टर डिनर पानी ज्यादा ना लें, अदरवाइज तो फिर आपको यूरिनेशन के लिए बीच बीच में उठना पड़ेगा और उससे भी आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। अगर आप वार्म बाथ लेते हैं, एक शावर लेते हैं गुनगुने पानी से, तो दैट इज हेल्पफुल। उसका एक सूदिंग इफेक्ट, रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है, उसमें भी नींद आने में हेल्प करता है। अगर आप शावर नहीं ले सकते किसी कारणवश, तो आप अपने पैरों पे भी अगर गुनगुना पानी डालते हैं तो दैट इज हेल्पफुल। ऐसे ही एक रात को दूध पीने से भी दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। अगर आप सोते टाइम सोने से पहले दूध लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल, उससे भी नींद आती है। और अगर सपोज कीजिए अब आप बेड पर चले गए, और अब बेड पर आपको जो है सोने के लिए जब आप गए तो आपको टीवी, मोबाइल या कोई भी एक्साइटमेंट वाली चीज, जिससे कि कोई भी एक्साइटमेंट, स्ट्रेस, थ्रिल, इमोशंस जो आपके दिमाग में हो उससे बचना है, तो उसके लिए बेटर यह है कि आप कोई बुक पढ़ लें, ठीक है। बुक भी बेवसी कोई सस्पेंस नॉवेल वगैरह ना हो के कोई लाइट बुक या लाइट म्यूजिक आप सुन सकते हैं, उससे भी आपको नींद में हेल्प मिलती है। अब सपोज कीजिए आप लेट गए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 20-30 मिनट वेट करना है बेड पर, फिर आपको उठकर बाहर आ जाना है, फिर से यही आपको म्यूजिक सुनना है या बुक पढ़नी है कि जब तक आपकी आंखें दोबारा से भारी ना हो जाए, फिर आप बेड पर जाएंगे, फिर दोबारा से कोशिश करेंगे। पर उठना आपको कोई फिक्स टाइम पे शुरू में इनिशियली, फिर आपको स्लीप साइकिल आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। मतलब 8 बजे आपने टाइम डिसाइड किया है उठने का, तो आपको उठना ही उठना है 8 बजे, बेशक कितनी तेज नींद आ रही हो, दोपहर में नहीं सोना है जैसे मैंने आपको बताया। कुछ और चीजें हैं जो आपके हेल्प कर सकती हैं। अगर आप डे में एक्सरसाइज करते हैं, अगर वो एक्सरसाइज स्पेशली अगर थोड़ी मॉडरेट एक्सरसाइज होती है तो नाइट में आपको अच्छी नींद आती है, ठीक है। पर ये डे टाइम में करनी है। इवनिंग में अगर आप करते हैं तो कुछ एक्साइटमेंट से या वैसे ये नींद भाग भी सकती है आपके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आप डे टाइम में मॉर्निंग में कर रहे हैं, ठीक है, या आफ्टरनून तक कर रहे हैं एक्सरसाइज। जो मैं इवनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इवनिंग का इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। सोने से पहले अगर आप हेड मसाज कराते हैं दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। और एक होती है जो अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, एक चीज़ होती है मैग्नेटिक हेड बेल्ट, वो कुछ पेशेंट्स में बहुत अच्छी नींद फिर देखा गया कि पेशेंट पर आई है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक हेडबैंड में क्या होती है, एक एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट है, कुछ स्पाइक्स से होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, वो आप एक बेल्ट होती है उसमें कुछ मैग्नेट्स लगे होते हैं, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, वो आपको सिर पर लगा के लेटना होता है आधा घंटा बस, ठीक है। और उस टाइम पे कोई मेटल वगैरह आपको अवॉइड करना होता है, जैसे कि वॉच, रिंग वगैरह ये सब ना हो तो अच्छा है, ठीक है, उससे भी नींद आती है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन चीज़ें थी विदाउट मेडिसिन जो आप इनिशियली ट्राई कर सकते हैं। मेडिसिन तो दे आर सर्टेन मेडिसिन जो कि अब बहुत अच्छी मेडिसिन आ चुकी हैं, जिसमें आपको नींद के लिए आपको आदत भी नहीं पड़ेगी, और उसके बाद डे टाइम जो सेडेशन है वो भी नहीं होता है, तो वो सब
एक्सट्रीम पर है, जब आपको नई नींद आ रही है, वो भी किसी डॉक्टर की सलाह से, साइकेट्रिस्ट की सलाह से आप ले सकते हैं। पर इनिशियली आप ये ट्राई करें, क्योंकि 90% जो मैंने पेशेंट्स में देखा है कि वो इसी को फॉलो करते, एक साइकिल डेवलप हो जाती है और ग्रेजुअली उनको नींद आना शुरू हो जाती है। बेशक वो इनिशियली 4 घंटे आ रही हो, फिर 5-6 बढ़ती चली जाती है, तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली आपको नींद आएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे नींद को हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके हम अपनी नींद की जो स्लीप साइकिल है उसको नॉर्मल कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसे आप औरों से भी शेयर करेंगे और लोगों को इसका फायदा पहुँचाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।